हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, आज फिर एक नए कंसेप्ट की चर्चा करनी है। बेटा सब सामने देखो प्लीज, मेरी तरफ। कल बेटा मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की चर्चा की थी, आज बेटा फिर मैं एक नए कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहा हूँ। एक बात बताओ, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हुई थी? सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? बहुत बढ़िया बाबू, मैं ये मानकर चल रहा हूँ आज बैच शायद पूरा ना चल पाए, तो एडवांस बता देता हूँ आपके लिए, इलस्ट्रेशन 12 और 13 होमवर्क होगा। इलस्ट्रेशन, ठीक है जी? 12 और 13 होमवर्क होगा। मैं अगला कंसेप्ट शुरू तो कर रहा हूँ, अब देखता हूँ कितना पूरा करा पाता हूँ। ठीक है, चलो जी, आप सामने देखते रहेंगे सर। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, शायद आधे घंटे तक सब सामने देखो बेटा। आप कोई फर्म हो जिसने बेटा धंधा स्टार्ट किया बेटा 1 अप्रैल 2017 को, बेटा जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने बिजनेस में ना कुछ कैश कंट्रीब्यूट करा, कुछ बेटा बैंक बैलेंस कंट्रीब्यूट करा, और कुछ बेटा आप समझ लो अपने घर से स्टॉक उठाकर लेकर आए, स्टॉक गुड्स परचेजेस कुछ भी कह दो बेटा, सब एक बात। और बाबू एक आप शॉप भी लेकर आए 10 लाख रुपए की। ठीक है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप ये कैपिटल के तौर पर लेकर आए, कुछ कैश बैलेंस, कुछ बैंक बैलेंस, कुछ स्टॉक, कुछ शॉप। ठीक है जी, और बाबू आपका धंधा चल रहा है चल रहा है, कितने फाइनेंशियल ईयर जा चुके हैं? आज बेटा 31 मार्च 2024 है। ठीक है, 7 फाइनेंशियल ईयर बीत चुके हैं, बिजनेस चल ही जा रहा है चल ही जा रहा है। और आपको ऐसे कहता है क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड एज ऑन 1st of April 2024। बस भाई यहाँ तक आवाज आ रही बाबू। लो प्यारे बच्चों, समझते हैं जरा आराम से, कंसेप्ट लिखने में ही समझाने में ही बहुत मशक्कत है बेटा, समझ जाओगे फिर कुछ नहीं। बाबू 7 साल धंधा चल गया 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2024, और आपको क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपियर इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड एज ऑन 1st of April 2024 कि 1 अप्रैल 2024 को ना एक्स वाई जेड की बुक्स में ऐसे ऐसे बैलेंसेज हैं, इसको आप जर्नल एंट्री के थ्रू जर्नलाइज कर दो। ठीक है जी, जर्नलाइज करने को कहता है, बैलेंसेस देता है मुझे कैश के, बैंक के, डेटर, 3 डेटर के नाम बताता है एक्स वाई जेड, मुझे स्टॉक के बारे में बोलता है, बिल्डिंग, शॉप, कैपिटल, और 3 क्रेडिटर के बारे में बोलता है, पी क्यू आर, सबके बैलेंसेस देता है, मुझे कहता है जर्नलाइज कर दो। खैर कोई दिक्कत नहीं, जर्नलाइज भी करेंगे, सीखेंगे भी बेटा इसको कैसे जर्नलाइज करते हैं, ये बात ना नए बच्चे भी सारे सुन, कुछ कुछ पक्का समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, कुछ बातें पक्का समझ में आएंगे आपको। बाबू अच्छा एक बात बताने की कोशिश करो मुझे, सब फाइनेंशियल ईयर के बारे में जानते हैं? सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में?
अगर बेटा 1 अप्रैल 24 को कोई बैलेंसेस बुक्स में हैं, तो ये मानते हो 31 मार्च को भी वही होंगे? भाई जो 31 मार्च को रात को बैलेंस छोड़ के गए होंगे, वही तो अगले दिन सुबह बैलेंसेस होंगे। 31 मार्च को रात को मैं गले में गैस छोड़ के गया 8 लाख, अगले दिन सुबह भी तो 8 ही लाख निकला होगा। अगर 31 मार्च को रात को बेटा बैंक में बैलेंस 50 हजार था, तो अगले दिन सुबह भी तो 50 हजार होगा। अगर 31 मार्च को रात को मैंने एक्स वाई जेड से इतने इतने पैसे लेने थे, तो बेटा अगले दिन सुबह भी तो उतने ही लेने थे। ये मानते हो ये वही बैलेंसेज हैं 1 अप्रैल को, जो 31 मार्च को भी होंगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और ये मानते हो बेटा कि 31 मार्च को ये बैलेंसेस मेरी बैलेंस शीट में अपियर हो रहे होंगे? बैलेंस शीट कब बनती है फटाफट से बताओ, कब बनती है? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन, यानी कि इस दिन बैलेंस शीट बनी होगी। पक्की बात, सबको पता है इस दिन बैलेंस शीट बनी होगी, सब जानते हैं बेटा। अगर बैलेंस शीट बनी होगी तो ये बैलेंसेस बैलेंस शीट से ही आए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनी होगी, प्लीज सब सामने देखना मेरी तरफ। सर बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट याद कराना, टोटल कितने कॉलम? नए बच्चों ने अगर वीडियो देख लिया यहाँ तक पहुंच चुके होंगे, टोटल कितने कॉलम? 4। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ लाइबिलिटीज, एंड सेकंड कॉलम इज ऑफ अमाउंट, थर्ड कॉलम इज ऑफ एसेट्स, एंड फोर्थ कॉलम इज ऑफ अमाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? याद आ रही है सारी बात? बाबू मैं बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है ना? इस बात को जितनी जल्दी डाइजेस्ट कर लोगे, उतना जर्नल एंट्री के लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है? मैंने बहुत सारे शॉर्टकट बताए हैं आपको अभी तक। कैपिटल हमेशा क्रेडिट, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, सारी परचेज डेबिट, सारी सेल्स क्रेडिट, डेटर हमेशा डेबिट, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट, परचेज की उल्टी होती है परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल की बिल्कुल उल्टी होती है सेल रिटर्न, सेल क्रेडिट तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। इतने से आज शॉर्टकट हम बना चुके हैं, और हमें याद भी नहीं है रोल क्या थे, क्या ट्रेडिशनल अप्रोच और क्या मॉडर्न अप्रोच। ईमानदारी से बताना कितनों को ये है कि मैं वो अप्रोच सोच के करता हूँ जर्नल एंट्री, आपके दिमाग में है कि मैं वो अप्रोच सोचता हूँ? आप लगाते हो किसी भी स्टेज पे? देखो मैंने सब बुला दी, कहा भी था मैं बुला दूंगा आपको, अब भूल जाओगे, लेकिन चल हर चीज अप्रोच के हिसाब से रही है, ये भी बात समझ में आ रही है। ये सारे शॉर्टकट बने तो अप्रोचेस सही है। अब मैं ऐसा शॉर्टकट देने जा रहा हूँ जो गुरु मंत्र है, किसी किताब में नहीं लिखा, और मैं 12वीं क्लास तक ऐसे पढ़ाता हूँ इस शॉर्टकट से, और एक गुरु मंत्र है बेटा, किसी किताब में नहीं लिखा, बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके लिए चीजें। एक बात ना, जिंदगी में कसम खा लो बेटा, जितनी लाइबिलिटीज है, ये बात मन में रखना, यहाँ नहीं लिखना, जितनी लाइबिलिटीज है बिजनेस में, सब जर्नल एंट्री में ना क्रेडिट होती है, सब देख लेना चाहे। और जितनी भी एसेट्स है ना बेटा, सब बेटा क्या होती है? डेबिट होती है। समझ में आ रही बात? और बाबू ये तो समझते हो ना, बैलेंस शीट है मतलब बैलेंस ही तो होगी, यानी कि लाइबिलिटी के बिल्कुल बराबर ही तो होगी एसेट्स। कभी ऐसा हो सकता है बेटा लाइबिलिटी ज्यादा हो एसेट्स कम हो? ऐसा तो हो नहीं सकता, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से भी कितनी बार प्रूव किया एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी। याद आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसकी ना जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं, ठीक है ना? जब बैलेंसेस को बुक्स में उतारने की एंट्री करते हैं ना, इसको हम प्यार से बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। जब बैलेंसेस को बेटा, जब बैलेंसेस को बुक्स में उतारने की एंट्री करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। व्हाई इट इज सेट टू बी ओपनिंग एंट्री बेटा? क्योंकि साल के पहले दिन एंट्री होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, ठीक है जी? देखो आप खुद समझने की कोशिश करो, जब पहले दिन इसने धंधा शुरू किया होगा, तब एंट्री क्या हुई होगी? भैया ये लाया तू, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, शॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हर बार धंधा तो नहीं शुरू होता, 1 अप्रैल 18 को धंधा शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 18 को तो जो पुराने बैलेंसेस आ रहे होंगे वही तो ब्रॉट डाउन करे होंगे पहले एंट्री में। 1 अप्रैल 19 को क्या हो गया? बैलेंसेस तो ब्रॉट डाउन करे होंगे। 1 अप्रैल 20 को क्या होगा? बैलेंसेस तो ब्रॉट डाउन करे होंगे। यानी कि बेटा फाइनेंशियल ईयर में पहली एंट्री ही होती है, बिल्कुल, बस एक ही बार तो धंधा शुरू होता है, बाकी बार तो बैलेंसेस ही तो उतरते हैं, जो पिछली बैलेंस शीट है बैलेंसेस थे वही तो लेके जाओगे आगे, इसलिए इसको बोला गया ओपनिंग एंट्री, क्योंकि ओपनिंग इसी से ही होती है, पहली एंट्री यही होती है बेटा हर साल। समझ में आ रहा है इसे ओपनिंग एंट्री का नाम क्यों दिया गया? अब मैं आपके लिए चीजें आसान कर देता हूँ, जर्नल एंट्री इतनी सिंपल कर देता हूँ, बस ये बात अब पूरी चल रही है, क्योंकि मैं बहुत देर लगा चुका हूँ इस पे बेटा। जितनी एसेट्स दिखाई दे रही है ना, मैंने शॉप तक को गोला मार दिया,
आप ईमानदारी से देख लो, सब एसेट्स हैं उठा के सब डेबिट कर दो। और बाबू जितनी लाइबिलिटीज दिखाई दे रही है ना जर्नल एंट्री में, सब उठा के क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, करें अपनी एंट्री। पर उसमें एक पेच है, वो पेच मैं बता दूंगा। आप कुछ भी नहीं लिख रहे, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चे बस मुझसे डेबिट क्रेडिट करा रहे हैं। मुझे थोड़े से स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैंने बात रब कर दी। आओ आप मुझसे डेबिट क्रेडिट ही करा दो बस, आज और कुछ नहीं करना बाबू। सारी एसेट डेबिट होंगी। लो प्यारे बच्चों मैं करता जा रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर के मैंने नाम लिख दिए, और नाम के सामने अकाउंट नहीं आएगा। एक्स वाई जेड डेबिट, स्टॉक का नाम है स्टॉक नहीं लिखता, समझदार कोई इशारा काफी। परचेज अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, शॉप अकाउंट डेबिट। सर सारी एसेट्स मैंने आंखें बंद करके डेबिट कर दी, कुछ नहीं किया, ठीक है ना बाबू। कैश के सामने 8 लाख रुपए, बैंक के सामने 50 हजार, एक्स के सामने 20, 40, 60, 2.5 लाख का परचेज, बिल्डिंग 3 लाख, शॉप 10 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारी एसेट्स उठा के डेबिट कर दी। अब सबसे काम का फंक्शन बेटा, एक लाइन छोड़ देना। क्यों छोड़नी है अभी आपको पता लग जाएगा। सारी जब भी ओपनिंग एंट्री करोगे, हमेशा सारी एसेट्स लिखने के बाद, डेबिट करने के बाद एक लाइन छोड़नी है। क्यों छोड़नी है 5 मिनट के बाद पता लग रहा है। एक लाइन मैंने छोड़ दी और उसके बाद लिखनी शुरू करो लाइबिलिटीज। दिखाई दे रहा है मैंने एक लाइन छोड़ दी? कसम खा लो हर ओपनिंग एंट्री में छोड़ोगे आप सारी एसेट्स लिखने के बाद। क्यों छोड़ेंगे? सबको भी आंसर हो जाएगा सर 2 मिनट के बाद, ठीक है जी। आओ बाबू लाइबिलिटीज लिखवाओ। सबसे पहले कैपिटल कितने रुपए? 32 लाख। उसके बाद बेटा क्रेडिटर्स के नाम, ठीक है जी, 2P 2Q 2R। कितना बेटा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। सर लिख दी मैंने, ठीक है। और कुछ नहीं करना बेटा, अगर आप कोई मेरे से बच्चा पूछे कि नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, बस इतना लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, ठीक है बाबू। अब मैंने ये लाइन क्यों छुड़वाई? बेटा ओपनिंग एंट्री में हमेशा एक पंगा होता है। क्या पंगा होता है? कभी भी डेबिट क्रेडिट के बराबर नहीं होता, हमेशा होता है, हमेशा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक लाइन छोड़नी छोड़नी है। डेबिट क्रेडिट का टोटल करें। अच्छा एक बात बताओ, एसेट्स तो हमेशा लाइबिलिटीज के बराबर होती है ना, होनी चाहिए ना। देखे बराबर है कि नहीं है, देख लेते हैं बाबू। ये मैंने लाइबिलिटी साइड का टोटल करा, ये 38 लैक्स है। 32 लाख है, 6 लाख है, 38 लाख है। आओ टोटल कर देते इसका बाबू, 10 लाख, 3 लाख, 13 लाख, 13 लाख और 8 लाख, 21 लाख, 21 और 3, 24, 24 और 1 20, ये तो हुआ 25 लाख 20 हजार। और ये कितना है? 38 लाख। सर ऐसा हो सकता है कभी एसेट्स और लाइबिलिटी बराबर ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कौन सी अकाउंट है भैया, एसेट्स और लाइबिलिटी बराबर नहीं होती। तो बाबू ये समझ में आ रहा है कि 12 लाख 80 हजार रुपए की कोई तो एसेट आएगी आएगी, सर तो कोई तो डेबिट चीज आएगी आएगी ना। क्रेडिट और डेबिट तो हमेशा बराबर होते हैं ना, डुअल एस्पेक्ट। हर डेबिट का एक बराबर अमाउंट का क्रेडिट होता है, हर एसेट्स की एक बराबर अमाउंट की लाइबिलिटी होती है। जिसने मेरे वीडियोस देखे उसको याद आ रही होगी बात, मैं इसलिए कह रहा था नए बच्चों को वीडियो देखने के लिए। सर हर एसेट्स की बराबर अमाउंट की लाइबिलिटी होती है, हर डेबिट का बिल्कुल बराबर अमाउंट का क्रेडिट होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सर? यानी कि ये बात तो समझ में आ रही है, 12 लाख 80 हजार का कुछ तो डेबिट आएगा। अब बाबू कौन सी एसेट्स ऐसी लिखूं? बाबू जब भी एसेट साइड बैलेंसिंग फिगर लिखनी होगी, हमेशा हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। यानी कि बेटा, और ब्रैकेट में लिखना मत बोलना, लिखोगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बैलेंसिंग फिगर पूरा लिख सको तो बहुत बढ़िया बात, मैं यहीं लिख देता हूं बाबू। लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर कि ये मैंने बैलेंस करने के लिए लिखी है फिगर। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? जब भी एसेट साइड, डेबिट साइड, बाबू कुछ भी बैलेंस होगा, हमेशा लिखेंगे गुडविल। मतलब समझते हैं सब कि
कि 25,20,000 की तो मैंने अदर एसेट्स लगा रखी हैं, 25,20,000 की अदर एसेट्स लगा रखी हैं, बिजनेस में टोटल 38 लाख रुपए लगे हुए हैं, 25,20,000 की अदर एसेट्स हैं, बाकी मैंने 12,80,000 की अपनी रेप्यूटेशन लगा रखी है। कुछ याद है गुडविल का मतलब? कभी इंटेंजिबल एसेट में मैंने बताया था कि गुडविल नाम की कुछ चीज होती है, 5-स्टार जनता का एग्जाम्पल दिया था। वो बात अलग है कि याद नहीं आता तुम्हें, बादाम नहीं खाते ना तुम। यानी कि 12,80,000 रुपए की मैंने क्या लगा रखी है? रेप्यूटेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अब बाबू बात सुनो, एक और बात थी। कभी कभी ना, इधर देखना प्लीज, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। मान लो शॉप के बाद ना, शॉप के बाद मुझे सीधा दे रखा था क्रेडिटर्स PQR और 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, सेम क्वेश्चन है, ऐसे दे रखा, ठीक है जी। और मैंने क्या किया बेटा, मैंने सारी एसेट्स लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दी। मैंने कहा ना सारी एसेट्स लिखने का, और मैंने एक लाइन छोड़ने के बाद लिख दिया सारे क्रेडिटर के नाम, 2P 2Q 2R, ठीक है जी। कितने रुपए? 1,00,000, 2,00,000 और 3,00,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? जब मैंने डेबिट साइड का टोटल करा तो ये 25,20,000 निकला, जब मैंने क्रेडिट साइड का टोटल करा तो बेटा ये सब 6,00,000 निकला। यानी कि क्रेडिट साइड में कोई तो चीज आएगी ना 19,20,000 की। अब जो लाइन मैंने छोड़ी भी थी, अगर डेबिट करना पड़ा तो इसी में डेबिट कर रहा हूं, और अगर क्रेडिट करना पड़ा तो इसी में क्रेडिट कर रहा हूं। अगर अभी डेबिट करना पड़ा तो गुडविल को डेबिट इसी लाइन में किया था ना, अब क्रेडिट करना पड़ेगा किस लाइन में करूंगा? इसी लाइन में, ठीक है जी बाबू। ऐसे क्वेश्चन को ना देखते ही हंसने लग जाना। जब भी आपको कहीं ना ओपनिंग एंट्री पास कर दो, आप सारे बैलेंसेस अच्छे से देख लेना। अगर आपको कहीं पर दिखाई ना देना कैपिटल, आप देख लेना क्रेडिट साइड ही बैलेंसिंग फिगर आएगी और वो कैपिटल ही होगी। और अगर आपको दिखाई दे जाना कैपिटल लिखी हुई है तो हंसने लग जाना, डेबिट साइड ही बैलेंसिंग फिगर आएगी और गुडविल ही आएगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। समझ आई बात? ठीक है, अब दिखाई दे रहा है कहीं कैपिटल दी हुई है। अच्छा, कैपिटल के बिना धंधा हो सकता है? तो कैपिटल तो आई होगी, और कैपिटल हिंदी भी क्वेश्चन है। वेरी वेरी गुड, तुम्हारे से बड़ा निकम्मा कौन होगा बेटा, क्वेश्चन भी किससे पूछ रहे हो, हमारे से, और वो भी इतने बच्चों वाले। बाबू टोटल 25,20,000 लगे हैं, जिसमें 6,000 कर्जे गए, बाकी पैसे इसका मतलब मार निकले लगाए 19,20,000। और यहां पर लिखना मत भूल देना बैलेंसिंग फिगर, कि ये फिगर मैंने बैलेंस करने के लिए डाली है कि जर्नल एंट्री बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गई सबको बात? ओपनिंग एंट्री भी PhD होगी, बस इससे ज्यादा ओपनिंग एंट्री में कुछ नहीं आ सकता। सारी एसेट उठाकर डेबिट कर दो, एक लाइन छोड़ दो, सारी लाइबिलिटी उठाकर क्रेडिट कर दो, दोनों साइड का टोटल करके देख लो, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर आएगी। डेबिट में आई तो जो लाइन छोड़ी है वहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में आई तो बेटा 2 कैपिटल अकाउंट उसी लाइन में। क्लियर? बुक का क्वेश्चन देख लें, बुक का भी लेवल देख लें। आओ जी प्यारे बच्चों, बुक का भी लेवल देख लेते हैं। बाबू इलस्ट्रेशन 12 और 13 मैंने होमवर्क आपको बता दिया है, ठीक है जी। मैं 14th इलस्ट्रेशन मंडे से शुरू करूंगा, बहुत छोटा है 14th इलस्ट्रेशन, इसलिए आज नहीं शुरू कर सकते। ये देखो 14th का ए, यार ये बहुत छोटा इलस्ट्रेशन है इसलिए आज नहीं कर सकते, है ना। रो पड़ेंगे ऐसे ही बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, रो देंगे कोई फायदा थोड़ी है, ठीक है जी। आओ बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 14B करते हैं। पता नहीं ऐसा क्या होता है, जो चीज मैं होमवर्क देता हूँ वो बहुत बड़ी निकलती है। मैं 14 ए होमवर्क देने की सोच रहा था, और जो मैं करता हूँ वो क्वेश्चन बहुत छोटा निकलता है। ये देखो बेटा, दो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन, मेरे ऊपर ही आया, तुम्हारे ऊपर 14 ए आया। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, सब कर्मों का हिसाब है। मेरे ऊपर 14B, तुम्हारे ऊपर 14A, बड़ी नाइंस आती है ये। चलो खैर कोई नहीं, अब हो रही है तो क्या कर सकते हैं, पढ़ते हैं। बाबू पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने में तो मैं एक ही मिनट लगाऊंगा, आपको पता ही है। आओ कहते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अच्छा जी, यू आर रिक्वायर्ड, मुझे नहीं कह रहा, आपको कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज। अच्छा, कहते हैं बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ राहुल अ कंप्यूटर डीलर ऑन 1st of April 2017। बाबू कैश का बैलेंस है, प्लीज सामने देखो यार, ये पूरा कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर लेते हैं। काम करो आकाश में, एक सेकंड पॉज करना भाई, दो पंखे बंद करो, ये वीडियो बाबू। कह
प्लीज सामने देखो, कैश का बैलेंस है। आपने ना जल्दी में ना जो मैं काम का वर्ड पढ़वाने जा रहा था वो इग्नोर कर दिया, दोबारा पढ़ो। बैलेंस है इन द बुक्स ऑफ राहुल, अब कंप्यूटर डीलर ऑन 1st of April 17। मुझे नहीं पता आपने इस वर्ड पे कितना फोकस करा, मैं आपको बता देता हूँ, आप रायता कर दो क्वेश्चन का थोड़ी देर के बाद। क्यों, मैं बता देता हूँ। सर राहुल कौन है? कंप्यूटर डीलर। फटाफट बोलो कौन है? कल को अभी थोड़ी देर के बाद ये बैलेंस में कंप्यूटर का बैलेंस दे दे 6 लाख रुपए, तो कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, कंप्यूटर को एसेट मान के कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर देंगे। पर समझदार व्यक्ति पता है क्या करेगा, राहुल क्योंकि कंप्यूटर डीलर है वो करेगा परचेज अकाउंट डेबिट। भाई जब आप दिन रात कंप्यूटर बेचते हो तो कंप्यूटर आपके लिए एसेट हुई, ईमानदारी से बताना क्या हुई, गुड्स हुई। गुड्स के लिए मैडम क्या लगाते हैं, परचेज या सेल। समझ में आ रही है बात? तो बाबू बंदे का ना नेचर ऑफ बिजनेस ना ढंग से पढ़ लिया करो ऊपर की स्टेटमेंट में। चलो जी, डरा रहे हो तुम तो यार। कैश का बैलेंस है, बैंक ओडी है, डेटर है, बिल्डिंग है, वाह भाई वाह, पता था मुझे तू क्या करेगा, कंप्यूटर है। इधर देखना, पहले एक बात बताओ, 5 बैलेंसेस दिए हुए हैं, कहीं कैपिटल लिखा है? समझदार को इशारा काफी, बैलेंस क्या आएगा, कैपिटल, कोई रोक नहीं सकता, कैपिटल के बिना धंधा ही नहीं हो सकता, कैपिटल ही आएगा। ठीक है ना, देख लेना एसेट ज्यादा निकलेंगी, लाइबिलिटी कम निकलेंगी। ठीक है जी, करें बेटा फटाफट से जनरलाइज कर दें। अच्छा बैंक ओडी सबको याद है, एसेट्स होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पता ना, अ काइंड ऑफ लोन, जितने बैंक में पैसे हैं उससे ज्यादा निकाले हुए हैं उसे तो बैंक ओडी बोलते हैं, लोन ही तो होता है आपके ऊपर। बाबू कैश को करेंगे डेबिट, डेटर एक एसेट है करेंगे डेबिट, बिल्डिंग एक एसेट है करेंगे डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, 4 चीजें डेबिट, 1 क्रेडिट, 4 चीजें डेबिट करने के बाद 1 लाइन छोड़ देना, फिर बैंक ओडी लिखना। आओ बेरे बच्चों, बाबू कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपए, बेटा डेटर 7000, बिल्डिंग 6500। मैं तो कह रहा हूं ऐसी लैंग्वेज सबसे अच्छी होती है, डॉक्टर के पापा को ना समझ में आए। कंप्यूटर परचेज अकाउंट डेबिट, मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों छुट्टी होने वाली है, आप सामने देख लो, मैंने सारी एसेट्स लिखी, सारी एसेट डेबिट होती हैं, 1 लाइन छोड़ दी, तो बैंक ओवरड्राफ्टिंग अकाउंट। बाबू बैंक ओडी कितने का है, बैंक ओडी है 1000 रुपए, इधर देखना बेटा, बाबू दोनों साइड का टोटल कर लो, 10000 और 7500, 17500 और यह 1000, दिखाई दे रहा है 16500 से एक लाइबिलिटी कम है। बाबू इस लाइबिलिटी का नाम अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने उसी लाइन में लिखा जो लाइन छोड़ी हुई थी, क्या लिखो बेटा, तो कैपिटल अकाउंट, और बाबू अच्छा इंप्रेशन डालना है तो ये करना मत बोलना, बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी बाबू, आज का लास्ट कंसेप्ट, लास्ट वन, कहता है ऑन द सेम डे ही सोल्ड अ कंप्यूटर द बुक वैल्यू ऑफ विच वाज 2000 फॉर 1950। कहता है आज ही उसने कंप्यूटर बेच दिया जिसकी बुक वैल्यू 2000 थी, मतलब खरीदा था 2000 का, कहता है 1950 का बेच दिया। अब मैं बहुत काम की बात करने जा रहा हूं, ठीक है ना, दो काम की बात कर दी, एक ओपनिंग एंट्री और अब मैं जो बात करने जा रहा हूं। सर जब भी आप परचेस और सेल रिकॉर्ड करते हो, ऑब्वियसली अपने गुड्स की करते हो, परचेज और सेल गुड्स के लिए वर्ड लगता है, जब भी आप परचेज और सेल रिकॉर्ड करते हो कभी भी उसका प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं होता, और जब भी आप एसेट्स रिकॉर्ड करते हो उसका प्रॉफिट या लॉस हमेशा रिकॉर्ड होता है। लॉजिक बता पाऊंगा मैं कुछ दिन के बाद, लेकिन बाबू फिलहाल मतलब समझो बेटा, जब भी आप परचेस या सेल रिकॉर्ड करते हो कभी भी उसका प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे किसने कहा, आपने 2000 का कंप्यूटर 1950 में बेचा, बाबू मैं तो सीधा दिखाता हूं ना 1950 में बेचा, बहुत बढ़िया बात भाई। सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, जब कुछ नहीं कहा तो नगद बेचा होगा, बाबू पैसा आ रहा है, पैसा जब भी आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट,
बाबू 2000 की चीज तूने 1950 में बेची, मुझे मतलब नहीं, मेरी तो 1950 की बेची ना, 1950 की सेल है क्या? मैंने यहाँ प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करने की टेंशन नहीं। अच्छा बात बताओ, दुकान पे कभी ऐसा होता है 2000 की चीज आप 2000 में बेचते हो, ज्यादा की बेचते हो, 2000 की चीज 2500 में बेची, कभी मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट रिकॉर्ड करो, हम सीधा करते हैं कैश टू सेल्स 2500। यही तो कर रहे थे आज तक कितने दिनों से, तो हमेशा ध्यान रख लेना बात, लॉजिक मैं क्लियर करूंगा लेकिन बेटा टाइम लगेगा उसको क्लियर होने में। परचेज और सेल का कभी भी प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन एसेट्स इसका प्रॉफिट लॉस हमेशा रिकॉर्ड होता है। इसके क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ दिन के बाद, एक आध दिन लगेगा, आ जाएगा सर ट्यूजडे को ही आ जाएगा इसका क्वेश्चन, तो आपको मैं याद करा दूंगा कि मैंने कंसेप्ट बता दिया है। 14 भी डन, दो इलस्ट्रेशन होमवर्क मिल गए, 12 और 30 मेरे प्यारे बच्चे, यार ये अनमोल कह रहा 14 भी दो होमवर्क, आज छुट्टी कर रहे हो जल्दी, तो अनमोल भाई आधे घंटे तो जल्दी छुट्टी कर रहा हूँ, 14 चाहिए होमवर्क बता, हाँ करी जा रहा है यार, मैं मना कर रहा फिर कह रहा था दो, देख लो इसकी शक्ल एक बार अच्छे से सब बाबू। चलो खैर रहने दो, अनमोल की बात, अनमोल की बात दिल में मत लो तुम, ठीक है बस 12 और 13 इलस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है जी। 14 मैं आऊंगा परसों से शुरू करूंगा, एक काम कर लेना क्योंकि दो ही जर्नल एंट्री है, क्वेश्चन 14 भी कर लेना, ठीक है आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।